हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैक भरसा एकेडमी। तो इस वीडियो में हम लोग DCA ये कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं और इस कोर्स के बारे में मैं पूरी डिटेल इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। सबसे पहले मैं DCA का बात करूँ तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसके बारे में मैं बात करूँगा। लेकिन आप अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। चलिए तो मैं पहले DCA के बारे में बताता हूँ। DCA एक ऐसा कोर्स है जिसको आप करने के बाद कोई भी कंप्यूटर को आप चला सकते हैं आसानी से। कंप्यूटर मतलब जिस कोर्स को कर लेने के बाद आप कंप्यूटर चलाना सीख जाइएगा। कंप्यूटर जैसे कहीं भी आप जा रहे हैं आजकल तो हर जगह कंप्यूटर चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले DCA का डिफिनेशन, ये सब DCA क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं व्हाट इज DCA, DCA क्या है। तो मैंने इसको एक डिफिनेशन दिया है कि द फुल फॉर्म ऑफ DCA इज द डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। द फुल फॉर्म ऑफ DCA इज द डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। द कोर्स इज डिजाइन टू इम्पार्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड टेक्निकली नॉलेज। कंप्यूटर के बारे में आप टेक्निकल नॉलेज रखेंगे, कंप्यूटर कैसे शट डाउन होता है, कैसे ऑन होता है, कैसे उसमें कोई ऐप को इंस्टॉल करते हैं, कंप्यूटर टूल एंड applications which are used in our day to day life, जो हमारे दैनिक जीवन में जो हम लोग दिन दिन काम जिसमें जो मेरे काम में आए कंप्यूटर का, वो सब चीज़ हम पढ़ते हैं DCA में। और ये जो कोर्स होता है ये 6 महीना का कोर्स होता है, लेकिन मैं इस वीडियो में इसको पूरी तरह से डिटेल में देने वाला हूँ। और इसका एक प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, वो चैनल पर आप विजिट करके वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर DCA मैंने फिर हिंदी में बताया कि DCA क्या है। तो DCA का फुल फॉर्म डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। इस कोर्स में हम लोग कंप्यूटर की टूल्स और एप्लीकेशन के बारे में जानकारी हासिल करते हैं जो हमारे दैनिक जीवन के उपयोग में लाए जाते हैं। तो यहाँ से आप DCA का मतलब समझ ही गए होंगे कि DCA जो होता है हमारा कंप्यूटर ऐसा जानकारी जिससे हम लोग कंप्यूटर को कोई टूल को अनइंस्टॉल या इंस्टॉल कर सकते हैं। अब सिलेबस ऑफ DCA में हम लोग को क्या पढ़ना होता है वो मैं यहाँ पर चेकआउट करूँगा, ठीक है। जो DCA में हमारा फर्स्ट सिलेबस होता है वो होता है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में। जैसे कंप्यूटर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जैसे मोनीटर, CPU, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिसके बारे में हम लोग फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर यानी पहला चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद आता है पेंट, जो कि कंप्यूटर ही में होता है जिसके माध्यम से हम लोग कोई घर या कलर को पेंट कर पाते हैं, जो चित्र बनाकर, ओके। उसके बाद आता है हमारा नोटपैड। बेसिकली नोटपैड का बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं और इसको कोडिंग करने वाले लोग तो ज़्यादा ही खास करके इसको नोटपैड को इस्तेमाल करते हैं, या कोई भी आपको जैसे डाटा होता है उसको आपको स्टोर करना है और कॉपी पेस्ट करने के लिए, अगर आप नोटपैड में दिखाऊँ तो नोटपैड का बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल करते हैं। नोटपैड आप देखे होंगे, लेकिन इसके बारे में अगर नहीं जानते तो यहाँ से आप देखकर आप अब इसके बारे में जान जाइए, ठीक है। तो देखिए नोटपैड हमारा इस प्रकार का दिखता है। इस जगह पे मैं कोई भी चीज़ अगर टाइपिंग करूँ तो ये स्टोर करके रखता है। जैसे यहाँ पर मुझे कोई लिंक यहाँ से कॉपी करके रखनी है तो मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, फाइल में सेव करके रख सकता हूँ। इसी से कमांड है, इसमें जो आप चाहे HTML कमांड ये सब यहाँ से आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी सबका डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ, वो धीरे धीरे मैं वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर होता है, उसके बाद पेंट होता है, उसके बाद नोट पैड होता है, उसके बाद आता है आपका वर्ड पैड, फिर आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिसके माध्यम से मैं अभी ये जो कोर्स है मैं इसको बनाया हूँ ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैंने बनाया है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसको जैसे आपका कोई कंपनी है उसमें कितने लोग काम करते हैं, या कोई आप ट्यूशन स्कूल पढ़ाते हैं तो उसमें कितने स्टूडेंट आते हैं कितने स्टूडेंट नहीं आते, या पेमेंट कौन दिया कौन नहीं दिया, वो आप एक्सेल से कर सकते हैं। उसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये पावर पॉइंट होता है प्रेजेंटेशन के लिए। जैसे आप कोई कंपनी में जॉब करते हैं और कोई बोले आपको प्रेजेंटेशन करने के लिए आपका जो भी प्रोजेक्ट है तो आप पावर पॉइंट के माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, फिर इंटरनेट और ईमेल। मैं इसमें इंटरनेट और ईमेल के बारे में बात करने वाला हूँ कि आप कैसे किसी को ईमेल कर सकते हैं, इंटरनेट का कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।
तो सिलेबस ऑफ डीसीए ये है, अगर आपको ये सारी चीज़ें मालूम है तो आप डीसीए का कर चुके हैं या आप डीसीए पूरा समझ चुके हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है तो आप इस वीडियो को, ये पूरी प्लेलिस्ट को देखकर आप सीख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। ओके, तो इसमें मैं आपको बताऊं कि अगर ये सब चीज़ आपको पता है तो ठीक है, अगर आपको पता है फिर भी आप अगर रिविज़न करना चाहें तो वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वीडियो देखने के लिए आपके पास कंप्यूटर होना ज़रूरी है, आप वीडियो को देखकर हो सके तो साइबर कैफ़े जाकर आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।